अब दोस्तों देख सकते हैं आप लोग K9 यहाँ पे है, इसको हम लोग साइड में करते हैं और ये पहले का मेरा बोया मोन माइक है इसको भी साइड में करते हैं और ये न्यू बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं कि कैसा आया है कैसा नहीं आया है। तो यहाँ पे नमस्कार दोस्तों, अभी आप लोग जो मेरे हाथ में पैकेज देख रहे हैं ये बोआ एमोन माइक है जो कि मैंने अभी अभी अमेजोन से परचेज किया है। इसके पहले जो मैं वीडियो शूट करता था वो भी बोआ एमोन माइक से ही शूट करता था, जो कि आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में एक और है, ठीक है। ये लेकिन मैंने रिटेलर द्वारा खरीदा था दुकान पे, जो कि भाई मेरा ओरिजिनल नहीं था, फेक था, जो कि वायर खराब हो चुका है, ये मतलब बेकार हो चुका है, ये बहुत से ज्यादा ज्यादा मुझे एक साल भी नहीं हुआ। ये बहुत ही अच्छा माइक है, ऐसा नहीं है कि अच्छा माइक नहीं है, अगर आप लोग को ओरिजिनल माइक मिलता है ना तो आप लोग इससे वीडियो को वाइस शूट करते हैं एकदम प्रोफेशनल लेवल तक आप लोग शूट कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले मैं एक और माइक यूज करता था जो कि आप लोग देख सकते हैं ये K9 है, इसको आप लोग परचेस मत करिएगा। दूसरे यूट्यूबर को देख के ऐसा मत सोचिएगा कि K9 बहुत ज्यादा बेस्ट माइक है, नहीं है भाई, इसका जो साउंड है बहुत ज्यादा बकवास है, मतलब बेकार है। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे हम लोग कि भाई ये लोकल है और ये जो अमेजोन से प्रोडक्ट आया मेरा ये ओरिजिनल है कि नहीं है, और आप लोग को साउंड भी मैं रिव्यू करके दिखाऊंगा कि साउंड इसका कैसा आता है। इसके पहले अगर आप लोग मेरा वीडियो देखे होंगे तो मेरा साउंड आप लोग सुन रहे होंगे, और आज जो मेरा साउंड सुन रहे हैं ये मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि ये भाई साउंड से और मतलब माइक से बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि ये कैसा माइक है और किस तरह का यहाँ पे प्रोडक्ट मुझे मिला है, ओरिजिनल है या फेक है, सब कुछ फुल डिटेल में बता दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग K9 यहाँ पे है, इसको हम लोग साइड में करते हैं और ये पहले का मेरा बोया मोन माइक है इसको भी साइड में करते हैं और ये न्यू बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं कि कैसा आया है कैसा नहीं आया है। तो यहाँ पे मैं ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है काफ़ी ज़्यादा पैकिंग जो हुआ है इसका बढ़िया हुआ है, इसीलिए मैं अमेजोन से मंगाया, क्योंकि भाई फ्लिपकार्ट पे ना मुझे बोया माइक अच्छा नहीं लग रहा था। कोई कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं होता है, वहाँ पे ओरिजिनल नहीं मिलता है कोई कोई प्रोडक्ट। यहाँ पे मेरा जो ओपिनियन था मैं वो आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखते हैं पहले कैसा आया है, देख सकते हैं पैकेजिंग जो इसका है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, और यहाँ पे ये एड्रेस वगैरह है इसको साइड में करते हैं, और ये हमारा ये बस ओपन है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो बोआ एमोन माइक मुझे मिला है ना, इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये ओरिजिनल मुझे नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बार कोड तो नहीं है, पहला नंबर यहाँ पे बार कोड नहीं है, लेकिन हाँ इसमें जो डिफरेंट है अभी ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। अभी मैं आप लोग को बताऊँगा क्या क्या इसमें डिफरेंट देखने की इसमें और इसमें मिल रहा है, लेकिन इसको पहले ओपन करते हैं, देखते हैं इसका साउंड जो है वो कैसा है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर कुछ गाइड वगैरह है और इसके अंदर तो फिलहाल कुछ है नहीं, यहाँ पे बोया हुआ का कुछ गाइड वगैरह किताब उताब है, इसको साइड में करते हैं, और ये हमारा बॉक्स में ये माइक आ जा रहा है, जो कि माइक देख सकते हैं आप लोग, और इसके अंदर देख सकते हैं यहाँ पे ये है जो कि काट ब्रांड है बोया एमोन का, और ये तो कुछ जो कीड़े मकोड़े ना लगे, और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या दिया गया है, जो कि मैं ओपन करके यहाँ पर चेक करता हूँ, इसको देखता हूँ क्या क्या है इसमें। मुझे एक चीज़ का निराशा हो गया है, जो कि यहाँ पे बार कोड लगा होता है वो इसमें नहीं दिया गया, लेकिन साउंड यहाँ पे चेक करेंगे, जो कि देख सकते हैं ये इसका कनेक्टर है और ये इसका क्लिप है और ये इसका जो साउंड इफेक्ट जो रोकता है वो है, और ये सेल है, ठीक है। अब ये माइक देख सकते हैं, माइक हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर आया हुआ है, जो कि मुझे लगता नहीं है ये भी ओरिजिनल है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर डिब्बा जो है इसका जो गत्ता है इसका मैं दिखा दूँ। इसमें एक चीज़ देखा जाता है, यहाँ पर आप लोग बारीकी से देख सकते हैं, यहाँ पे बोआ एमोन जो लिखा हुआ है इसके यहाँ पे कार्नर पे आर बना होगा एक, और इस पर कार्नर पे आर नहीं बना है, ठीक है। ये पहला डिफरेंट आप लोग को देखने के लिए मिल गया होगा, और दूसरा डिफरेंट यहाँ पे जो ये प्रिंटर है ना, ये प्रिंटर देख सकते हैं और ये प्रिंटर देख सकते हैं, आप लोग को खुद क्वालिटी का पता चल जाएगा। ये जो है ये हार्ड है, मतलब ये रंगीन में कलरफुल है, लेकिन इसका कॉपी हुआ ये लग रहा है, ठीक है। ये बार कोड का बस कमी है, बार कोड अगर दे दिया होता तो मुझे डाउट नहीं होता, फिलहाल तो मुझे डाउट है कि ओरिजिनल है या लोकल है, क्योंकि भाई आप लोग कमेंट में बताइएगा, लेकिन इसका साउंड चेक करने पर ही पता चलेगा। और इसका जो इस साइड का यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से अगर वगैरह यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका, और इसका भी क्वालिटी थोड़ा डिफरेंट है, और इस साइड जो है इस साइड भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो फेक वाला था उस पर आर के यहाँ पे बोवैक किनारे यहाँ पे कार्नर पे बना हुआ है एक आर का सिंबल, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कोई सिंबल नहीं बना है, और फिलहाल पीछे तो यहाँ पे देख सकते हैं पैकेजिंग इसका, यहाँ पे पीछे
यहाँ पे देख सकते हैं भाई, लोकल और डिफरेंट यहाँ पे पता चलेगा आप लोग को। यहाँ देखिए इसका जो बार कोडिंग है और इसका जो बार कोडिंग है भाई, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है वो डिफरेंट है। और फिलहाल तो नीचे कुछ इसमें दिया गया है, इसमें कुछ नहीं है, ऊपर तो फिलहाल कुछ नहीं है, यही सब था। अब देखते हैं इसका क्वालिटी कैसा आता है। लेकिन यहाँ पे भाई बार कोड होना चाहिए, जो कि बोवा का यहाँ पे ब्रांडिंग होना चाहिए, जो जो ब्रांडिंग है यहाँ पे, लेकिन बार कोड नहीं है। अब इसका साउंड क्वालिटी जो है उसको चेक करते हैं और देखते हैं कि इसका साउंड कैसा आता है। अब दोस्तों आप लोग जो साउंड सुन रहे हैं ना, वो बोवा एमोन माइक से मैं शूट कर रहा हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगा लिया है, ठीक है। आप लोग को साउंड कैसा सुनाई दे रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों मैं इतना आप लोग को बता दूं कि देखिए, मुझे तो बस एक ही चीज का निराशा मिला है, जो कि अभी यहाँ पे मैंने कोड का यहाँ पे जिक्र किया था अभी पीछे, जो मैं आप लोग को बताया हूँ। लेकिन जो इसका डिफरेंट है ना, वो भाई कुछ डिफरेंट है, इतना मैं कह सकता हूँ। अब साउंड मैं अभी अभी सुना नहीं हूँ, आप लोग भाई पहला साउंड आप ही लोग सुन रहे हैं। आप लोग बताइए कैसा साउंड जा रहा है, क्लियरिटी कैसा है, कैसा नहीं है। लेकिन जो K9 माइक है, जो मैं अभी आप लोग को दिखाया हूं, वो माइक कभी जिंदगी में परचेस मत करिएगा, क्योंकि भाई मैं उसको ट्राई किया, मैं मंगवाने तो मंगवा लिया, लेकिन रिटर्न का ऑप्शन नहीं था ना, इसीलिए मैं रिटर्न उसको कर दिया होता, रिटर्न इसीलिए नहीं किया हूं भाई, मेरा 700-800 रुपए जो था वो डूब गया। लेकिन ये माइक मैंने परचेस किया है, मैं उसका लिंक डाल देता हूं डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं कर सकते हैं, अगर आप लोग एक छोटे क्रिएटर हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना, सभी के सभी इस माइक को यूज किए हैं। लेकिन पहले ये ओरिजिनल माइक आता था, लेकिन अब मार्केट में बहुत ज्यादा फेक माइक मिलता है। अगर आप लोग ओरिजिनल लेना चाहते हैं तो आप लोग को मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके वहां पे ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, एक लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने भाई को सपोर्ट करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, और साथ ही साथ में बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू टाटा, बाय बाय।